हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दो कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमिति फलन देखेंगे। तो हम यहाँ पे साइन, कॉस, टेन और कॉट फलन के लिए दो कोणों के योग और दो कोणों के अंतर का सूत्र देखेंगे। पहले हम साइन फलन के लिए देखते हैं। तो यहाँ साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यानी दो कोण लिए गए, पहला एक्स और दूसरा वाई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पहले कोण का साइन गुणे दूसरे कोण का वाई कॉस, और पहले कोण का कॉस गुणे दूसरे कोण का साइन। तो इसी तरह माइनस के लिए भी है, साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ प्लस के लिए प्लस चिन्ह लिया गया और माइनस के लिए माइनस चिन्ह लिया गया। अब हम दो कोणों के योग व अंतर का कॉस फलन देखेंगे। तो यहाँ है कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे पहले कोण का कॉस गुणे दूसरे कोण का कॉस, और माइनस पहले कोण का साइन गुणे दूसरे कोण का साइन, और कॉस माइनस के लिए भी वैसे ही फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्लस के लिए माइनस चिन्ह लगाया गया और माइनस के लिए प्लस चिन्ह लगाया गया। तो साइन और कॉस फलन में फ़र्क ये है कि यहाँ पे चिन्ह सेम रखा जा रहा है, यहाँ पे चिन्ह बदल दिया जा रहा है, और साथ ही यहाँ पे साइन कॉस के साथ लिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे कॉस कॉस के साथ और साइन साइन के साथ लिया जा रहा है। अगला है दो कोणों के अंतर का टेन फलन। तो टेन एक्स प्लस वाई बराबर है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, और माइनस के लिए भी वैसे ही फॉर्मूला है। और यहाँ प्लस के लिए ऊपर प्लस चिन्ह लगाया गया, नीचे उसका अपोजिट माइनस रखा गया है। यहाँ माइनस के लिए माइनस चिन्ह लगाया गया और नीचे इसका अपोजिट प्लस रखा गया है। तो इस तरह से टेन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन में वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई हो गया है। अब हम दो कोणों के योग व अंतर का कॉट फलन देखेंगे। तो इसका फार्मूला भी टेन की तरह ही है, इसमें जो चीज़ नीचे थी वो चीज़ अब ऊपर कर दी गई है और ऊपर की चीज़ को नीचे कर दिया गया है। तो यहाँ कॉट एक्स माइनस वाई बराबर हो गया है, और यहाँ पे ये भी बात है कि वन को आगे रखा गया था, यहाँ पे वन को लास्ट में रखा गया है। तो ये है कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन और अपॉन में कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। तो यहाँ पे ध्यान देने बात ये भी है कि यहाँ पे माइनस के लिए ऊपर प्लस चिन्ह रखा गया है और नीचे इसका अपोजिट माइनस रखा गया है, और प्लस के लिए लिया गया है तो प्लस का अपोजिट साइन रखा गया है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस रखा गया है। तो यानी टेन और कॉट में फ़र्क है, यहाँ सेम साइन ऊपर रखा गया है, नीचे अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट साइन ऊपर रखा गया और नीचे वाला सेम है। तो इस तरीके से तीनों फलनों के चार फलन हो गए, साइन कॉस टेन और कॉट फलन के लिए दो कोणों के योग और अंतर का सूत्र है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉसेक फाइव पाई बाई सिक्स प्लस थ्री टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू सिक्स प्रूफ करना है। तो यहाँ पाई बाई सिक्स हम देख रहे हैं कोण हो जाएगा, ये पाई बाई सिक्स, ये पाई बराबर 180 होता है, तो 180 बाई सिक्स यानी हो जाएगा 30 अंश। और यहाँ फाइव पाई बाई सिक्स देखें तो 5 पाई बाई सिक्स ये हो जाएगा 5 इंटू 180 बाई सिक्स, यानी कटेगा यहाँ पे 30 और ये आ जाएगा 150 अंश। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनके जगह इसको कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 150 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम टेबल बनाए थे, तो टेबल में 30 के 0, 30, 45, 60 और 90 के कोड़ों का मान हम देखे थे, लेकिन 150 के कोड़ का मान नहीं देखे थे। यानी इसके मान हम रख सकते हैं, लेकिन इसका मान हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे संबद्ध कोड़ों की मदद से। यहाँ पे ये दोनों तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 30 और ये इसको हम लिखेंगे कॉसेक 180 माइनस 30, 50 150 को लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 अंश भी रहेगा और प्लस 3 टेन स्क्वायर 30। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय फलन का मान देखा था। तो यहाँ पे कॉसेक 180 माइनस 30 के मान हम देखेंगे तो 180 के संबद्ध कोण में फलन परिवर्तित नहीं होता है, और
चिन्ह देखें तो 180-30 ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में कॉसेक प्लस होता है, यानी ये हो जाएगा प्लस कॉसेक 30, यानी कॉसेक 180-30 हो जाएगा प्लस कॉसेक 30। और ये आगे का ये दोनों सेम रहेगा, ये रहेगा कॉट स्क्वायर 30 अंश और ये रहेगा 3 टेन स्क्वायर 30 अंश। अब मान रखेंगे कॉट स्क्वायर 30 का मान होता है, कॉट 30 का मान होता है अंडर रूट 3, यहाँ स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक 30 का मान होता है 2 और टेन 30 का मान होता है 1/3, 1/3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 3 गुणे 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 1 का 1 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर 1 आ गया, यानी 3 + 2 + 1 = 6 आ गया और हमें 6 ही प्रूफ करना था, तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला, तो इसमें साइन 75 अंश का मान निकालना है। साइन 75 अंश का मान हमें नहीं पता होता है तो हम इसे दो ऐसे कोणों में तोड़ेंगे जिसका मान हमें पता हो, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 + 30 अंश। अब इसे हम फार्मूला लगा देंगे, पीछे हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था साइन एक्स प्लस वाई का, तो ये हो जाएगा साइन एक्स यानी साइन 45 कॉस वाई यानी कॉस 30 प्लस कॉस एक्स साइन वाई यानी कॉस 30 इंटू साइन 45। अब मान रख देंगे कॉस 45 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है 3/2 और यहाँ पे गलती हुई है ये कॉस एक्स प्लस साइन वाई होता है, एक्स 45 है तो ये कॉस 45 और इंटू साइन 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ मान रखते हैं हम, ये हो जाएगा 1/2 कॉस 45 का मान 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो हम यहाँ गुणा कर देंगे, ये 3/2 2 हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा 1/2। हम नीचे देख रहे हैं हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3+1/2। तो इस तरह से साइन 75 का मान निकल गया है।